जिले में मुस्लिम देशवाली समाज की संस्था दादा पोता फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को पंचशील स्थित त्रिवेणी ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 60 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वहीं इस शिविर में ज्यादातर रक्तवीर नागौर जिले के पर्वतसर तहसील में बकरी गांव के थे। वहीं दादा पोता फाउंडेशन के पदाधिकारी रशीद खान ने बताया कि समाज में किसी का भी सालगिरह, शादी की वर्षगांठ और किसी की पुण्यतिथि होने पर परिवार और रिश्तेदार द्वारा रक्तदान किया जाता है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी को ये करना चाहिए, कोई भी इवेंट हो, जैसे सालगिरह हो, जन्मदिन हो, इसका सबको ब्लड डोनेशन कैंप करवाना चाहिए या कहीं भी जाकर ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे ये मैसेज जाएगा लोगों को, आगे लोग मोटिवेट भी होंगे इस चीज़ से, और कोई भी खून की कमी से जो मौतें होती है अपने इंडिया में, वो इन चीज़ों में कमी आ जाएगी। मैंने ये पहल शुरुआत की थी कि किसी के भी जन्मदिन, सालगिरह हो या डेथ एनिवर्सरी हो, तो इस उपलक्ष्य में हम परिवार के लोग ही अगर ऐसी चीज़ों पे आयोजन करेंगे तो मेरा मानना है कि हमारे देश में खून की कमी नहीं आएगी। अगर ऐसे लोग जैसे आज बकरी गांव से सद्दाम और मरियम देशवाली हैं, इनका एक जन्मदिन है, तो ये हमारा दूसरा पहल का एक बर्थडे सेलिब्रेशन भी होगा, साथ में रक्तदान शिविर भी आयोजन किया जा रहा है। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे ही आयोजन हर व्यक्ति करे तो हमारे इस देश में खून की कमी नहीं आएगी और कोई भी खून नहीं मिलने की वजह से किसी की डेथ नहीं होगी। अच्छा, दादा फाउंडेशन में कौन से समाज के लोग जुड़े हुए हैं? मेरे इस फाउंडेशन में सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं और मिलजुल कर हर तीन चार दिन, चार पाँच दिन में एक एक पाँच पाँच लोग मोटिवेशन होके और इन चीज़ों के लिए जुड़ना के साथ में कि ये भी मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि हम लोग ये आपके साथ जुड़ के हम भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।